सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू के क्रिएशन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 16 T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच होने वाला है श्रीलंका लेजेंड्स और न्यूजीलैंड लेजेंड्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ता है मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 24 सितंबर को इंडिया टाइम के अनुसार 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम श्रीलंका की बात करें तो 5 मैच में से 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं दूसरी टीम न्यूजीलैंड लेजेंड की बात करें तो 5 मैच में से 3 मैच विन है, 2 मैच लॉस करके आ रही है। ये रहे इनके टीम फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं हेड टू हेड के। तो लास्ट 10 मैच में देखें तो श्रीलंका लेजेंड्स 0 मैच खेल के आ रही है, वहीं न्यूजीलैंड लेजेंड्स भी 0 मैच खेल के आ रही है। ये रहे इनके हेड टू हेड। अब चलते हैं फ्रेंड्स टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल देखा जाए तो श्रीलंका लेजेंड्स 10 मैच खेल के आ रही है, वहीं न्यूजीलैंड लेजेंड्स 2 मैच खेल के आ रही है। विनिंग परसेंटेज की बात करें तो श्रीलंका लेजेंड्स का 80% है, वहीं न्यूजीलैंड लेजेंड का 50% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो श्रीलंका लेजेंड्स का 140 है, वहीं न्यूजीलैंड लेजेंड्स का 99 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो श्रीलंका लेजेंड्स का 218 है, वहीं न्यूजीलैंड लेजेंड्स का 99 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो श्रीलंका लेजेंड्स का 79 है, वहीं न्यूजीलैंड लेजेंड्स का 99 है। ये रन का टीम कंपेरिजन। अब चलते हैं फ्रेंड्स वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी तो मोस्टली क्लाउडी रहेगी, 26.2 डिग्री सेल्सियस रहेगी। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 86% रहेंगी और वहीं 90% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। ये रहे इनके वेदर की रिपोर्ट। अब चलते हैं फ्रेंड्स पिच की ओर। तो इस पिच का एवरेज स्कोरिंग 85 है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग भी ले सकती है, बैटिंग भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है उस टीम के कैप्टन के ऊपर। अगर कैप्टन सही डिसीजन लेंगे तो मैच अपने नाम लेकर जा सकती है। इस पिच पर अभी तक 2 मैच खेले गए हैं जो काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुए हैं। तो ज़्यादातर मैच इस पर चेस हुई है। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने भी पूरी मैच एनालाइज की। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम श्रीलंका लेजेंड्स की बात करें तो श्रीलंका लेजेंड्स की टीम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी टीम न्यूजीलैंड लेजेंड्स की बात करें तो वो भी अच्छी टीम है, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो यहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है श्रीलंका न्यूजीलैंड लेजेंड की। तो ये रन के टीम परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन विकेट बॉलर्स के फेवर नहीं, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉल्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड्स दोनों टीमों का की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम श्रीलंका लेजेंड्स के की प्लेयर की बात करें तो कौशल्या वीरांते, चमारा सिल्वा, चतुरंगा दे सिल्वा, दिलसन मुनावीरा। वहीं दूसरी टीम न्यूजीलैंड लेजेंड्स के की प्लेयर की बात करें तो जैमी हॉ, नील ब्रूम, एरोन रेमोंड, रोस टेलर। ये रहे इनके की प्लेयर्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका लेजेंड्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।